नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको फैट एम्बोलिज्म के बारे में बताने जा रहा हूं। क्या होता है फैट एम्बोलिज्म और किन किन चीजों से इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा समझेंगे। देखो, पहले समझते हैं फैट एम्बोलिज्म क्या होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, वो सब मैं बताऊंगा। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, पहली चीज तो इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में फैट एम्बोलिज्म को ठीक करने का हमारे बॉडी में शक्ति होता है, तो हमारा बॉडी फैट एम्बोलिज्म को खुद ही ठीक कर देता है, पर कुछ केसेस में नहीं ठीक कर पाता है। तो अब हम समझते हैं फैट एम्बोलिज्म। जैसे कि किसी को फीमर फ्रैक्चर हुआ, पेल्विस फ्रैक्चर हुआ, कोई भी, तो उसमें से क्या होता है कि फैट ग्लोब्यूल्स निकलते हैं, लाइपोप्रोटीन्स जिनको हम कहेंगे। ये जो फैट ग्लोब्यूल्स है, ये क्या करेंगे, आपकी बॉडी में ट्रेवल करेंगे, फिर ये फ्री फैटी एसिड रिलीज करेंगे, तो वही फ्री फैटी एसिड एल्वियोलाई में जाएगा, एल्वियोलर एंडोथीलियम और एपिथीलियम को डैमेज कर देगा, एल्वियोलर एंडोथीलियम को डैमेज करेगा, सॉरी, तो उससे वहां पे सूजन आएगी, पानी इकट्ठा होगा वहां पे स्वेलिंग का। तो ये हुआ फैट एम्बोलिज्म। अब इससे क्या होगा, सूजन आ गया एल्वियोलाई पे, सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, तो एआरडीएस में पेशेंट चला जाएगा। उसके अलावा फैट एम्बोलिज्म में पेशेंट में कोमा में भी चला जाता है पेशेंट। उसके अलावा पिटिकिया दिखेगा चेस्ट पे, एक्जिला में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका फैट एम्बोलिज्म। अब ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसमें एक क्राइटेरिया होता है गर्ड विल्सन क्राइटेरिया, जो इसके डायग्नोसिस में हेल्प करता है फैट एम्बोलिज्म के। अब फैट एम्बोलिज्म पल्मोनरी एम्बोलिज्म से भी मिमिक करता है, पल्मोनरी कंट्यूजन से भी मिमिक करता है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये फैट एम्बोलिज्म है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या पल्मोनरी कंट्यूजन है। देखिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के जो केसेस होते हैं, उसमें एक बार पैरों का आप डॉपलर करा के देखिए, तो उसमें डीवीटी का हिस्ट्री मिलेगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का। वही थ्रोम्बस ट्रेवल करके लंग्स में जाएगा, वापिस स्टक होगा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म करेगा। चेस्ट एक्सरे में हैम्पटन्स हम आपको दिखेगा। कंफर्मेशन के लिए सीटी एंजियो आप करा सकते हैं, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन आप देख सकते हैं। पल्मोनरी कंट्यूजन में भी सेम सिम्टम्स आते हैं, पर पेशेंट उसमें कोमा में नहीं जाता, उसी से जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी कोमा में नहीं जाता। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करें कंट्यूजन, कंट्यूजन में चेस्ट एक्सरे में एक माइल्ड इन्फिल्ट्रेट दिखेगा, लोकलाइज्ड फोकल रीजन में, डिफ्यूज नहीं दिखेगा। पर डिफ्यूज किसमें दिखेगा, फैट एम्बोलिज्म में। तो ये चीजें याद रखनी है, पेशेंट कोमा में जा सकता है फैट एम्बोलिज्म में। पहले थोड़ी देर पहले अच्छे से बात कर रहा था, 6 घंटे पहले, 6 घंटे बाद अब वो उसका अल्टर्ड सेंसोरियम में किसी को पहचान नहीं रहा है, वो सारी चीजें, या उसके बाद फिर वो कोमा की स्टेज में चला जाएगा, अब रिएक्शन ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं फैट एम्बोलिज्म, जिसको ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, फैट एम्बोलिज्म, ठीक है। 20-30% जो फैट एम्बोलिज्म होते हैं ना पेशेंट में, जैसे फैट एम्बोलिज्म 100 लोगों को हुआ, तो 20 से 30% लोग कोमा में चले जाते हैं, सीएनएस सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब फैट एम्बोलिज्म को कैसे डायग्नोस करें, क्या क्या कारण हो सकते हैं फैट एम्बोलिज्म के, जैसे हम कॉजेस की बात करें ना कि फैट एम्बोलिज्म के क्या कारण है, क्यों होता है फैट एम्बोलिज्म। तो मैंने बताया था, एक फीमर फ्रैक्चर हो सकता है, पेल्विक फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर आप कोई ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर कर रहे हैं, इंट्रामेडुलरी नेलिंग तो उसमें हो सकता है, या पॉलीट्रॉमा है पेशेंट को तो उसमें भी फैट एम्बोलिज्म के चांसेस बनते हैं, या डायबिटिक पेशेंट को भी फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। बोलेंगे इसमें तो ट्रॉमा है नहीं, डायबिटिक को कैसे होगा, मैं समझाता हूँ। डायबिटिक में ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है, तो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स अगर ज्यादा है तो फैट एम्बोलिज्म क्रिएट करा सकता है। उसके अलावा पैनक्रियाटिक पेशेंट में भी वो फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। कैसे कैसे, पैनक्रियाटाइटिस में, पेनक्रेटाइटिस में क्या होता है, जैसे डायबिटीज है पेशेंट को, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो पेनक्रेटाइटिस भी कॉज करेगा, ठीक है। और पेनक्रेटाइटिस है पेशेंट को तो भी ट्राइग्लिसराइड बूस्ट होता है, तो ये क्या करेंगे, फैट ग्लोब्यूल्स आपकी बॉडी में सर्कुलेट कराते हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके अलावा जैसे ज्वाइंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हो गया, ठीक है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। लाइपोसक्शन सर्जरी होता है सिर्फ पेट का, टमी टक भी बोलते हैं इसको नॉर्मल लेमेन लैंग्वेज में, लाइपोसक्शन, जो सिर्फ पेट का साइज कम करवाते हैं लाइपोसक्शन।
उसके अलावा कई बार पेशेंट टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन पे है उसमें भी, या फिर कई बार डीकम्प्रेशन सिकनेस होती है, जो डाइवर्स होते हैं जो समुद्र में गोताखोर होते हैं उनमें डेवलप हो सकता है, जिसे नाइट्रोजन बबल्स डेवलप होता है, तो उससे फैट फैट ग्लोब्यूल्स बनेगा, फैट एम्बोलिज्म हो सकता है, जिसे हम कैसियन डिजीज भी कहते हैं। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो किन में होता है, जो पेशेंट बेड रिडन है, लंबे समय से चल फिर नहीं पा रहा है, इमोबिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। और जो फैट एम्बोलिज्म है 12 घंटे से लेके 72 घंटे के बीच में डेवलप होता है। पहले पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, पर जैसे ही फैट एम्बोलिज्म हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूरा फैमिली आपसे फाइट करने लग जाएगा, घर वाले के हमारा बच्चा एकदम सही था, तो आपको ध्यान रखना है, फैट एम्बोलिज्म में तुरंत ट्रीटमेंट देना है। अब जो पॉलीट्रॉमा के पेशेंट होते हैं उनमें फैट एम्बोलिज्म 90% होता है, पर फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम 2% में होता है। फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम क्या है, जैसे पेशेंट कोमा में गया, एआरडीएस हो गया पेशेंट को, रेस्पिरेटरी फेलियर, उसके अलावा पीटी क्या हुआ, तो ये फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम है। पर जो फैट एम्बोलिज्म है वो 90% लोग जाते हैं पॉलीट्रॉमा के, पर जरूरी नहीं है उनको सिम्टम्स आए। मैंने बताया था हमारी बॉडी ही ऐसा पावर है कि उसको हील कर देता है फैट एम्बोलिज्म को। अब फैट एम्बोलिज्म डायग्नोज करने के लिए कुछ माइनर क्राइटेरिया है, कुछ मेजर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया में जैसे हार्ट रेट बढ़ गया, टैकीकार्डिया हो रहा है पेशेंट को, 100 से ऊपर हार्ट रेट चला गया, टेम्परेचर 98 अबव हो गया, हाई टेम्परेचर आ रहा है पेशेंट को, रेटिनल चेंजेस आ रहे हैं पेशेंट में, जैसे ब्रीच दिखेगा रेटिनल आर्टरी के बीच में, पिटेकिया देख सकते हैं आप फंडस एग्जामिनेशन में, किडनी में जैसे एन्यूरिया। फैट एम्बोलिज्म क्या करेगा, आपका किडनी फेलियर करा सकता है, तो एन्यूरिया, यूरिन का कम आना 24 आवर्स का। नॉर्मल यूरिन होता है 1 ml/kg/hr, ठीक है। जॉन्डिस हो सकता है क्योंकि लीवर डैमेज भी करेगा फैट एम्बोलिज्म, तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा यूरिन एग्जामिनेशन में आप माइक्रोग्लोबुलिन्स देख सकते हैं। अब जो मेजर क्राइटेरिया होता है वो 3 ही है, मेजर में लंग्स इन्वॉल्वमेंट, एआरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, या फिर सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, पेशेंट कोमा में चला गया और फिटी किया, तो ये 3 मेजर क्राइटेरिया है, और जो बाकी बताए वो माइनर क्राइटेरिया है। तो अब ये कहता है कि 4 माइनर क्राइटेरिया हो और 1 मेजर क्राइटेरिया है, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं फैट एम्बोलिज्म और